नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यातायात संकेतों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं पुलिस वाले एग्जाम में, या और अदर आप जो जो आपके एग्जाम है या फिर आपका डीएल का आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इस यातायात चिन्ह या इस यातायात संकेत का मतलब क्या है। तो वही आप MCQs मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वही आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है इस यातायात चिन्ह से क्या मतलब है। ये जो चिन्ह बना है इसका मतलब ऑप्शन में हम देंगे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके बताएंगे और देखते हैं कौन कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ए नंबर ऑप्शन है, इसका मतलब बताया गया रुकना। बी में बताया गया खतरा, सी में बताया गया है गोल चक्कर और डी में बताया गया है चौराहा। तो बताएं इसका जो है क्या मतलब है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए इसका मतलब होता है स्टॉप। ऐसा जब भी आपको देना तो इसका मतलब समझिएगा स्टॉप। इसमें बीच में स्टॉप लिख भी देता है और कभी कभी होता है कि ऐसा लिखा भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर समझिएगा स्टॉप यानी कि रुकना के लिए जो है प्रदर्शित करता है ये चिन्ह। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे और एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, UPSI पुलिस आदि जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए या फिर DL वाले एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस यातायात चिन्ह का मतलब आपको बताना है क्या मतलब है। इस ट्रैफिक सिग्नल का जो है यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है तिराहा, इसका मतलब क्या होता है तिराहा, रास्ता दें या रुकें या फिर आपका रेलवे क्रॉसिंग, बताइए सभी लोग बताएंगे इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब होता है। तो देखिए इसका जो मतलब होता है वो होता है गिव वे यानी कि रास्ता दें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रास्ता दें सभी लोग याद करते चलें। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर एरो की तरह बना हुआ है और ये आपका गोल चक्कर से कटा हुआ है। ऑप्शन आपका आगे चलें, बी में आपका बताया गया है रुकें, सी में निषेधात्मक संकेत है और डी में है सीधे निषेधात्मक यानी नो एंट्री, बताइए। तो देखिए ये जो होता है ये सीधे निषेधात्मक जो आपका दिया हुआ है नो एंट्री, यही इसका मतलब होता है। नो एंट्री भी लिख करके यहाँ पर दे देता है। ठीक है, कई जगह आप देखेंगे तो हम सिर्फ उस चीज़ को हटा दे रहे हैं जिससे आपको जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो और आपको याद हो। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जिन लोगों ने डी राइट आंसर किया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, आदमी बना हुआ है कटा हुआ है, आगे चलें पैदल यात्री निषिद्ध, सी में है रुकें और डी में है नो एंट्री। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो पैदल यात्री है उनको मना किया गया, निषिद्ध किया गया है। ठीक है, डेंजर होगा या कुछ ऐसा होगा, मतलब ये मना किया गया तो मना। ठीक है, तो जो ये कह रहा है सिंबल बस उसी को आपको ऑप्शन में सही करना है, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, पैदल यात्री निषिद्ध। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन लोग बता पाते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जानना भी चाहिए, अगर आप ऐसे भी रोड पे चल रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, यहाँ पर ऐसे किया है और ये किया है। देखिए मैं कुछ और भी बता दिया करूँगा कि कभी कभी जो चीज़ नहीं देता है, जैसे इसका मतलब ए में बताया गया नो पार्किंग, बी में बताया गया पैदल यात्री निषिद्ध, सी में बताया गया खतरा और डी में बताया गया नो एंट्री। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपके लिए नो पार्किंग के लिए यूज़ होता है, साथ ही साथ यहाँ पर पी भी बना आपको मिल जाएगा, पी बना हुआ और ऐसे। ठीक है, तो याद रखिएगा, नहीं भी रहता है तो आप याद रखेंगे नो पार्किंग के लिए होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, ये कटा हुआ है बताएंगे सभी लोग। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, ए में बताएगा छोटी वाहन निषिद्ध, बी में भारी वाहन निषिद्ध, सी में नो एंट्री और डी में बताया गया है हॉर्न बजाना निषिद्ध। तो देखिए ये हॉर्न ही है, ये हॉर्न ही बनाया है और इसी को निषिद्ध किया है, ऐसे काटा है यानी। तो दोस्तों यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, हॉर्न बजाना निषिद्ध है या फिर कह सकते हैं कि मना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, ये जो दिया हुआ है इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। तो देखिए इसका ए में बताया गया है आगे रेलवे क्रॉसिंग है, बी में बताया गया नो एंट्री, सी में बताया गया है रुकना या खड़ा करना निषिद्ध है, डी में बताया गया है आगे अस्पताल है। तो देखिए इसका मतलब जो होता है रुकना या खड़ा करना निषिद्ध है। ठीक है, चलते रहिए, ठीक है,
ये इसका मतलब सिर्फ यही होता है, रुकना या खड़ा करना निषिद्ध, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, ये जो यातायात चिन्ह बनाया गया है इसका क्या मतलब है। आगे रेलवे क्रॉसिंग है, बी बताया गया आगे संकीर्ण पुल है, सी बताया गया रुकना या खड़ा करना निषिद्ध है, डी बताया गया नो एंट्री है। याद रखेंगे जब ये ऐसे ऐसे हो जाता है ना, तो याद रखिएगा आगे जो है संकीर्ण पुल है या सकरा पुल है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन और बी बताया गया आगे संकीर्ण पुल है, यही इसका मतलब होता है, याद रखेंगे सभी लोग। यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने बी राइट आंसर किया है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात चिन्ह का मतलब आपको बताना है। ए में बताया गया आगे 20 बच्चे हैं, बी बताया गया आगे 20 जानवर हैं, सी बताया गया है स्पीड लिमिट 20 है, और डी बताया गया नो एंट्री है। सभी लोग बताइए। देखिए ये जो आता है ना, ऐसे आपका 100 लिखा रहेगा, 80 लिखा रहेगा, कई जगह आप देखेंगे 80, 20, ये सब 20 कहाँ लिखा रहता है, अधिकतर स्कूल स्कूल या घनी आबादी में लिखा रहता है धीरे चलने के लिए। तो ये स्पीड लिमिट है, याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, स्पीड लिमिट। अधिकतर जगह पे आप देखेंगे हाई स्पीड के लिए 120, 80 और 20, आप कई जगह देखेंगे 40, 20 सबसे ज़्यादा 40 और 20, 80 ये सब दिखता है, ठीक है। रोड पे चलते हैं तो देखेंगे, समझ जाइएगा कि 20 की लिमिट में चलना है। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। दाहिने हाथ का वक्र है, बाएं हाथ का वक्र है, गोल घुमाव है, पीछे घुमाव है। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका है दाहिने, ऐसे जा रहे हैं दाहिने हाथ जो है वक्र है, ठीक है। ए राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ए दाहिने हाथ वक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग आंसर देते रहें। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, ये जो यातायात चिन्ह आपका दिया है इसका क्या मतलब है। ए में बताया जा रहा है आगे न जाएं, बी में बताया गया है आगे भीड़ है, सी में बताया गया आगे बाधा है, डी में बताया गया है आगे पुलिस है। तो देखिए ये बैरियर के लिए यूज़ होता है, तो हिंदी में लिखा हुआ है बाधा है। जो बैरियर आप देखते हैं वही है, यहाँ पर देखिए बैरियर आगे लगा हुआ है, इसके लिए ये इंडिकेट करता है। तो याद रखिएगा बैरियर आएगा, हिंदी में भी आ सकता है बैरियर, या आगे बाधा है ऐसे करके आ जाएगा, रुकावट बाधा ऐसे करके आएगा। तो सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, ये बैरियर लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। ये जो यातायात चिन्ह आपका दिया है, दाहिने हाथ वक्र, बाएं हाथ वक्र, गोल घुमाओ, पीछे घुमाओ। तो जैसे वो दाहिने वक्र था, ये जो है बाएं हाथ वक्र है, यानी कि आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। कुबड़ खुरदुरा रास्ता, समझ लीजिए आगे नहीं लिखा हुआ है, रास्ता दें, नो एंट्री और खतरा। सभी लोग बताएंगे। तो देखिए जब खुरदुरा रास्ता होता है, उभार वाला रास्ता रहता है, तो हम्प बोलते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कुबड़ खुरदुरा रास्ता, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, स्पीड ब्रेकर भी जिसको कहते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है ऐसे ऐसे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। ये जो यातायात चिन्ह दिया है इसका क्या मतलब है। आगे रेलवे क्रॉसिंग है, आगे संकीर्ण पुल है, आगे रोड सकरा है, फिर बताया गया है रुकना या खड़ा करना निषिद्ध है। तो देखिए याद रखिएगा जब इस प्रकार से हो, चिन्ह को समझिएगा, और ऐसे त्रिभुज बना हो, इसका मतलब यह है कि आगे संकीर्ण पुल या आगे सकरा पुल है, और जब रास्ता इस तरह जा रहा हो फिर पतला हो गया हो, तो समझिएगा कि आगे सकरा रोड है, फिर सकरा जो है आपका वो रोड है, फिर या फिर संकीर्ण रोड है, ठीक है। तो आगे सकरा रोड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। कोई दौड़ रहा है देख रहे हैं आप, तो इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। ए में बताया गया आगे रेलवे क्रॉसिंग है, बी में बताया गया पैदल यात्री निषिद्ध, सी में बताया गया आगे स्कूल है, और डी में बताया गया आपका रुकना या खड़ा करना जो है निषिद्ध। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आगे स्कूल। ये दौड़ता हुआ जब भी बच्चा आपको दिखाई देगा, आगे स्कूल याद रखेंगे आप, ठीक है, आगे स्कूल है, मतलब स्लो चलिए।
अब यहाँ पर आगे बताया गया इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, आगे खतरनाक गहरा है, आगे नदी है, आगे खतरा है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, बताइए इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है। तो देखिए आगे डीप के लिए है, ठीक है, डीप रोड के लिए यूज़ होता है कि आगे गढ़ा है या फिर गड्ढे तरीके से नीचे रोड गया है इसलिए ये यूज़ होता है, तो याद रखेंगे ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंबल देख करके पकड़ सकते हैं, एक बार देख रहेंगे तो आंसर सही करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इस यातायात चिन्ह से क्या मतलब है, यहाँ पर दिया हुआ है बाएँ घुमाव है, दाएँ घुमाव है, आगे खतरा है और गोल चक्कर चिन्ह है। तो दोस्तों देख रहे हैं ये गोल है, ठीक है, तो गोल चक्कर चिन्ह ही है ये, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखे होंगे कई जगह गोल में घूम करके जाना होता है उसी लिए वो है। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है सभी लोग बताएंगे, ये तो आप कई जगह देखे होंगे, बड़े वाहन के लिए बस स्टैंड, बस निषिद्ध या ट्रक स्टैंड, तो ये क्या बना हुआ है, बस बना हुआ है, तो बस स्टैंड है ये, ठीक है, ब्लू में है, बस स्टैंड याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट बात करते हैं इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, इस यातायात संकेत का चिन्ह का क्या मतलब है, बड़े स्टैंड हैं, रेस्टोरेंट है, विश्रामालय है या फिर भंडारा है खाने के लिए, बताइए इसका मतलब ये है, भोजनालय फिर या फिर रेस्टोरेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट के लिए यूज़ होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा, आगे रेस्टोरेंट है या फिर कुछ ही दूरी पे कभी कभी यहाँ पे 100 मीटर ऐसे करके लिख देता है, याद रखेंगे ये रेस्टोरेंट के लिए चम्मच है। नेक्स्ट बात करेंगे इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, नो एंट्री, रुकना या खड़ा करना निषिद्ध और आगे अस्पताल है, याद रखेंगे वही वाला वो जो हम पीछे डिस्कस किए वही है, रुकना या खड़ा करना निषिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, ये भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था नो पार्किंग, पैदल यात्री निषिद्ध, खतरा है या फिर नो एंट्री, तो पी बना के ऐसे काटेगा यानी कि आप समझ जाएंगे नो पार्किंग, ठीक है, ए राइट आंसर आपका हो जाएगा, नो पार्किंग के लिए चिन्ह है, सब चिन्ह याद रखिए। इस यातायात संकेत का क्या मतलब है, इस यातायात संकेत का क्या मतलब है, आगे रेलवे क्रॉसिंग है, नो एंट्री, रुकना या खड़ा करना निषिद्ध, आगे अस्पताल है, ये क्रॉसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, क्रॉसिंग के लिए यूज़ होता है, रेलवे क्रॉसिंग के लिए, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है सभी लोग बताइए, सभी लोग बताएंगे, बहुत बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये सब भी नहीं बता पा रहे हैं आप, नो पार्किंग, पैदल यात्री निषिद्ध, खतरा, नो एंट्री, ये है दोस्तों आपका पैदल यात्री निषिद्ध, यानी पैदल चलने वालों को निषिद्ध किया गया, मना किया गया है, बी राइट आंसर हो जाएगा। इस यातायात चिन्ह का क्या मतलब है, यहां पर ये बना हुआ है नो पार्किंग, भारी वाहन निषिद्ध, नो एंट्री, पार्किंग, हॉर्न बजाना निषिद्ध, तो ये दोस्तों भारी वाहन या फिर कहेंगे नो एंट्री, नो एंट्री के लिए भी बना दिया जाता है ऐसे, ये नहीं जाएगा, पैदल यात्री फिर बाइक वाइक वाले जाते होंगे, ठीक है, तो ये बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर लास्ट है इस यातायात चिन्ह से क्या मतलब है आपको बताना है, नो पार्किंग, भारी वाहन निषिद्ध, नो एंट्री या पार्किंग या फिर आपका हॉर्न बजाना निषिद्ध, सभी लोग बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये पी बना देगा आपका नीले ऐसे बोर्ड में, तो आप समझिएगा यहाँ पर पार्किंग है, पार्किंग के लिए सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आया होगा, यातायात संकेत का ट्रैफिक रूल से संबंधित जो भी हमने सिंबल्स दिखाया आपको पसंद आया होगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा।